साथियों ने ये प्रयास किया, अनीश खट्टर जी जिसमें मुझे भी पैदा होने का सौभाग्य मिला, उसको नमन करते हुए इन शहीदों को जिन्होंने तानाशाह सरकार के हलक में हाथ डाल के अपना स्वाभिमान खींच लिया, इन शहीदों को नमन करते हुए और आप सभी किसान पुत्रों को, धरती पुत्रों को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूं। समझने की बात यह है कि हमारे साथ इंसाफ सिर्फ अभी नहीं हो रहा, हमारे साथ इंसाफ सिर्फ ये ना इंसाफी सिर्फ इस आंदोलन में नहीं हुई, आपके और हमारे साथ आम घरों के लोगों के साथ ये ना इंसाफी रोज होती है, हर रोज होती है। बस ये है कि जब कहते हैं कि जब पानी सर के ऊपर चला जाए तो फिर हाथ मारने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। हमारे बच्चों को ना अच्छे स्कूल मिलते हैं ताकि वहां पढ़ के अच्छी जगह चले जाएं, ना हमें बिजली मिलती अपने खेत में, ना हमको नौकरी मिलती अपने बच्चों के लिए। ये किसानों के बच्चे अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान करना चाहते हैं, सीमा के ऊपर की जान देना चाहता हूं इस देश के लिए, ये सरकार कहती है कि 4 साल बाद रिटायर हो जाना। जब खाद मांगने जाओगे खाद नहीं मिलेगी, जब फसल का रेट मांगने जाओगे फसल का रेट नहीं मिलेगा, जब फसल खराब हो जाएगी तो मुआवजा नहीं मिलेगा। आपके साथ हर पल इंसाफ इस सरकार ने छीन लिया आपसे, आपसे ना इंसाफी होती रही हर पल और अभी भी होती है। लेकिन अगर कोई हमारी धरती के साथ खिलवाड़ करने का कोशिश करे, लेकिन अगर कोई स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करे तो फिर लड़ना जरूरी हो जाता है। और ये जो लड़ाई जिसकी आज याद में यहां पे बैठे हैं, ये लड़ाई भी ऐसी ही लड़ाई थी। आपसे आपकी जमीन छीनना चाहते थे, आपका स्वाभिमान छीनना चाहते थे। कहते हैं कि स्वाभिमान पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ये वही लड़ाई थी, ये 19 शहीदों के लिए आज यहां पर हम इनको नमन करते हुए एक श्रद्धांजलि स्थल बना रहे हैं, इनको याद करें, इनकी कहानियां सुनाई जा सके। लेकिन मैं चाहता हूं एक ऐसा दिन आए, एक ऐसी सरकार आए जो 700 शहीद हुए इस आंदोलन के अंदर, उनके गांव में उनकी जगहों पे उनको भी इसी तरीके से श्रद्धांजलि दी जा सके, श्रद्धांजलि स्थल बनाए जा सके, ताकि इतिहास बन जाए ये कुर्बानी जो इन लोगों ने दी। और किस लिए कुर्बानी दी? ये कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ इसलिए दी ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। इस कुर्बानी का नतीजा नहीं मिला अभी तक, मैं आपको सावधान करना चाहता हूं। जो भी मांग लेके आप वहां बैठे थे, मुझे आज भी याद है वो दिन, अरविंद केजरीवाल जी के घर पे सारी रात तमाशा चला था, सारी रात। जब किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच गए थे, केंद्र सरकार ने ये कहा कि सारे स्टेडियमों को, मुझे ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक बात नहीं करें जी, बिल्कुल नहीं करूं, 1% भी नहीं करूं, जहां किसानों की बात होगी अगर वहां राजनीति करूं तो डूब के मर जाऊं, नहीं करूंगा बिल्कुल नहीं। लेकिन आपको समझने की बात है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्या क्या साजिशें हुई थी, मैं उस रात का गवाह इसलिए बता रहा हूं। उस रात को केंद्र सरकार की तरफ से एक आ गया, तारी सरकार भंग कर देंगे, तुम आगे सरकार नहीं चला पाओगे एक दिन के लिए भी, तो किसी को तो आज भी स्टैंड ले रहे हैं ना, किसी को तो स्टैंड लेना था। केजरीवाल जी ने कहा था फांसी दे दे, ये कलम तोड़ दी, साइन नहीं करूंगा इस फाइल के ऊपर जिसको कह रहे हैं स्टेडियमों को जेल बना। मैंने इसलिए इस बात का जिक्र किया, आप ये मत समझना मैं राजनीति कर रहा हूं, अपनी पार्टी की बात कर रहा हूं। मैंने इसलिए इस बात का जिक्र किया, हम जिस पार्टी में बैठे हो, जहां भी बैठे हो, अगर हमारे मां बाप सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर हमारे किसान सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो लानत ऐसी राजनीति पे अगर उसके लिए खड़े ना हो सके हम तो। इसलिए आप जहां जिस कुर्सी पर बैठे हो, जहां अपना दमखम दिखा सकते हो, वहां दमखम दिखा के इस लड़ाई में जुड़ना चाहिए, खड़े होना चाहिए। मैं इसलिए ये सारी बातें कह रहा हूं और अपनी वाणी को विराम दूंगा एक आखिरी बात कह के, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, ये लड़ाई अभी और आगे जाएगी और बहुत दूर तक जाएगी। कुर्बानियां देने के लिए तैयार रहना, इसलिए कह रहा हूं कि कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना, क्योंकि इतिहास उसी का लिखा जाता है जो जीतता है, जो लड़ाई में छोटी लड़ाई का
एक छोटा टुकड़ा जीत लिया, उससे इतिहास नहीं लिखा जाता। जब इस तानाशाही सरकार को पटक दोगे, पलट दोगे, तब आपका इतिहास सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, उसके बिना नहीं लिखा जा सकता। इसलिए इस लड़ाई को आगे बढ़ाने में, अपने हक को, अपने स्वाभिमान को बचाने में आप सबसे गुजारिश करता हूं कि तन मन धन से, पूरी ताकत से इस लड़ाई को लड़ना है। मेरी जहां जरूरत होगी, मैं भी किसान परिवार से आता हूं, मेरी जहां जरूरत होगी, सीने पे बंदूक भी लगी होगी, तो एक इंच कदम पीछे नहीं हटेगा। मैं आज आपके बीच में ये वादा करके जा रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।